घनश्याम सिंह जी को अब दतिया चुनाव लड़ना चाहिए और दतिया सेवड़ा से दामोदर यादव को मौका मिलना चाहिए। मैं सेवड़ा की जनता का पूरा सम्मान करूंगा, पीठ दे के नहीं जाऊंगा। मैं दोबारा निश्चित रूप से सेवड़ा से ही चुनाव लड़ूंगा, मैंने स्पष्ट कह दिया है सारे नेताओं तो। ग्वालियर पाल बघेल महाकुंभ में हमारे बीच में घनश्याम सिंह जी मुख्य रूप से यहाँ मौजूद हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, आपका भी स्वागत है। आपके क्षेत्रीय विधानसभा में लिया है, बात बता रहे हैं कि आप शायद दतिया से चुनाव लड़ने वाले। नहीं, मेरा तो बिल्कुल क्लियर है, पिछले साल सेवड़ा की जनता ने जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे बड़े मार्जिन से किसी को जिताया तो मुझको जिताया 33,000 वोट से। मैं सेवड़ा की जनता का पूरा सम्मान करूंगा, पीठ दे के नहीं जाऊंगा। मैं दोबारा निश्चित रूप से सेवड़ा से ही चुनाव लड़ूंगा, मैंने स्पष्ट कह दिया है सारे नेताओं को। तो कितनी प्रतिशत श्योर मानते हैं आप, कितने वोटों से पिछली बार की अपेक्षा आप आंकड़ा पार करेंगे क्या इस बार? अब देखिए, ये तो मैं न तो ज्योतिषी हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, निश्चित रूप से जीतूंगा। क्या कारण है आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो दतिया से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए क्या है, दतिया भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा, मैं दो बार दतिया से विधायक रहा, 11 साल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहा, मेरे पिताजी लोकसभा सदस्य रहे, तो मैंने पूरे ज़िले में काम किया, तो पूरे ज़िले में मैं परिचित हूँ, जनता से भी, कार्यकर्ता भी मुझे जानते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। पार्टी का जो आंतरिक सर्वे हुआ था 2018 के चुनाव से पहले, सेवड़ा से नंबर एक में मेरा नाम आया था, दतिया में मेरा नाम सर्वे पार्टी को नहीं दिया गया था क्योंकि मैं वहाँ से टिकट नहीं मांग रहा था, लेकिन जो पार्टी ने सर्वे कराया था उस टीम ने समय मेरा नाम जोड़ के, क्योंकि हर जगह मेरा नाम आ रहा था, तो मेरा नाम शामिल करके भी सर्वे किया था, दतिया से भी मैं नंबर एक पे था। और इस बार भी मैंने कमलनाथ जी से भी कहा कि सर्वे में तो दतिया में भी मेरा नंबर एक पे आएगा, सेवड़ा में भी नंबर एक पे आएगा। ऐसे में पार्टी को ये मानना चाहिए और मान रही है पार्टी कि दतिया जिले का मैं एक लोकप्रिय नेता हूँ, जनता का प्यार मेरे साथ है, कार्यकर्ताओं का प्रेम मेरे साथ है, तो कहाँ से चुनाव लड़ना ये मुझ पर छोड़ दें, मेरे ऊपर थोपा ना जाए। और सेवड़ा की जनता ने जैसा मैंने बताया 33,000 वोट के रिकॉर्ड मार्जिन से मुझे जिताया था, इसलिए जनता का मुझे सम्मान करना है, मुझे पुनः सेवड़ा से ही चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, तो ग्वालियर में उन्होंने ऐलान किया है कि मैं चुनाव सेवड़ा से ही लड़ूंगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है, स्पष्ट हो गया है।